पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। जी हाँ, एक बच्चे के लिए पिता आसमान की तरह होते हैं, जो हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो बेटा हो या बेटी उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश करती है एक तस्वीर, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सामने आई है। यहाँ एक 7 साल का मासूम अपने पिता की जान बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आया। हुआ यूं कि सिंगरौली जिले में 7 साल का ये मासूम अपने पिता की जान बचाने के लिए उन्हें ठेले में लेकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा। इस बच्चे के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और सिंगरौली जिले के बेढ़न में एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने पर परिजन काफ़ी परेशान थे कि आखिर उन्हें कैसे अस्पताल पहुँचाया जाए। ऐसे में 7 साल के बच्चे ने पिता को ठेले पर ही अस्पताल लेकर जाने का फैसला किया। इस दौरान बच्चा और उसकी माँ तेज धूप के बावजूद हाथ ठेले को करीब 3 किलोमीटर तक खींचते हुए किसी तरह से जिला अस्पताल पहुंचे। सिंगरौली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, अधिकारियों ने तुरंत ही इस मामले की जांच के निर्देश दिए। दरअसल पूरा मामला बेढ़न कोतवाली थाना इलाके में बिलियारी के रहने वाले शाह परिवार से जुड़ा हुआ है। यहाँ रहने वाले एक शख्स की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन करीब आधा घंटा हो जाने के बाद ही एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी और आखिरकार इस शख्स के बच्चे ने पिता की जिंदगी को बचाने के लिए मोर्चा संभाला और ठेले पर अपने पिता को लेटाया और अपनी मां के साथ मिलकर 3 किलोमीटर तक ठेले को खींचकर अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा। एक मासूम ने जिस तरह से अपने पिता की जान बचाने के लिए खुद फैसला लिया, ये बेहद अहम है। वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हर कोई इस बच्चे की हौसले की तारीफ करता नजर आ रहा है।